हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था एंड उसी की सीरीज में आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं राइफल फायरआर्म्स की। इससे पहले हमने स्मूथ बोर के जितने भी फायरआर्म्स होते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है एंड आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं राइफल फायरआर्म्स की। एंड इसमें भी बेसिकली हम राइफल्स को फोकस करते हुए राइफल्स के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है राइफल फायरआर्म्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राइफल फायरआर्म्स क्या होते हैं, सो राइफल फायरआर्म्स इज द वन इन विच द बोर और इनसाइड ऑफ द बैरल इज रफ फ्रॉम ब्रीच एंड टू द मजल एंड, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लैंड्स एंड ग्रूव्स इनसाइड ऑफ द बैरल। एंड इट इज क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज राइफल्स एंड सेकेंड वन इज हैंडगन्स। तो जो राइफल्स होते हैं, राइफल फायरआर्म्स होते हैं, बेसिकली उनकी जो बैरल होती है वो उनकी अंदर साइड से देखें तो वो कम्प्लीटली रफ होती है। रफ का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम राइफलिंग कहते हैं। सो राइफल्ड फायरआर्म्स की जो बैरल होती है वो अंदर साइड से राइफल्ड होती है, उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं उसके मजल एंड से लेकर के ब्रीच एंड तक। ठीक है, सो पूरी जो राइफल होती है, जो भी राइफल होती है, उसकी जो कंप्लीट बैरल होती है पूरी तरह से राइफल्ड होती है इनसाइड से। ठीक है, सो इस तरह के फायरआर्म्स को हम राइफल फायरआर्म्स कहते हैं। इसके अलावा जितने भी राइफल्ड फायरआर्म्स होते हैं वो सब जनरली शोल्डर आर्म्स भी होते हैं। ठीक है, शोल्डर आर्म्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के आपके हैंडगन्स होती हैं, जैसे कि पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, तो वो सारे भी आपके राइफल्ड फायरआर्म्स होते हैं। ठीक है, सो उसी के बेसिस पर आपके जो फायरआर्म्स होते हैं, राइफल्ड फायरआर्म्स होते हैं, उसको दो में क्लासिफाई किया गया है, राइफल्स एंड हैंडगन्स। राइफल्स जितनी भी आपकी फायरआर्म्स जो कि फायर करने के लिए आपको शोल्डर का यूज़ करना पड़ता है, एंड हैंडगन्स जिनको आप सिंगल हैंड से भी बहुत ही ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह के आपके दो फायरआर्म्स होती हैं, राइफल्स एंड हैंडगन्स। सो यहाँ पर हम डायग्राम से देखते हैं कि जो आपकी अगर हम बैरल देखें अंदर साइड से तो वो किस तरह की आपको दिखती है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए आपके यहाँ पर ये लैंड्स हैं एंड ये जो डीपर पोर्शन है ये आपका ग्रूव कहलाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ से मजल एंड से अंदर के साइड जब देखेंगे तो आपको पूरे में राइफलिंग प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो ये वाली अगर बैरल देखें तो ये स्मूथ बोर की बैरल है। ठीक है, सो इसमें अंदर साइड में किसी भी तरह की लैंड्स एंड ग्रूव्स नहीं दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये वाली आपकी राइफल्ड बैरल है, दैट मीन्स इसमें अंदर साइड में आपको लैंड्स एंड ग्रूव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपकी ये होती है शॉटगन या फिर कह सकते हैं स्मूथ बोर की राइफल एंड ये होती है आपकी राइफल्ड फायरआर्म की बैरल। ठीक है, सो इस तरह से आपकी हो जाती है राइफल्ड फायरआर्म्स। राइफल फायरआर्म्स में बेसिकली यही है कि उसमें आपके लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड जब हम इसके कैलिबर की बात करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी पता है, जो भी अपोजिट लैंड्स होते हैं दैट मीन्स ये, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप मेजर करते हैं। ठीक है, सो राइफलिंग क्या होती है एंड इसके बारे में बहुत सारे अभी और भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो कि इससे बचे हुए हैं। तो राइफलिंग के लिए राइफलिंग क्या होती है और लैंड्स एंड ग्रूव्स एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक कवर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वहाँ पर सारा कुछ राइफलिंग के बारे में कंप्लीट वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं राइफल्स के बारे में, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सो इट फायर अ सिंगल बुलेट हैविंग अ मच लॉन्गर बैरल। तो जो राइफल्स होती हैं वो एक बार में एक बुलेट फायर करती हैं एंड उसकी जो बैरल होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। राइफल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कैलिबर्स, एक्चुअल मेजर ऑफ बोर, डायमीटर ऑफ बैरल बिटवीन टू अपोजिट लैंड्स। तो जो राइफल्स होती हैं वो बेसिकली उनके कैलिबर के बेसिस पर कैरेक्टराइज किया जाता है। कैलिबर क्या होता है, जो आपके अपोजिट लैंड्स का मेजरमेंट करते हैं। बोर जो आपका होता है तो उसके जो अपोजिट लैंड्स होते हैं, बोर में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लैंड्स एंड ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। तो वो जो अपोजिट लैंड्स होते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम जिस यूनिट में एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कैलिबर कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितने कैलिबर की गन है तो उसको हम कैलिबर, मतलब उसके लैंड अपोजिट जो लैंड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम कैलिबर कहते हैं।
ठीक है। देन राइफलिंग ऑफ बैरल गिव्स गाइडेटरी मोशन टू प्रोजेक्टाइल्स विच कंटिन्यूज इवन इन फ्लाइट एंड रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस एंड एनहांसेस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो जो आपकी बैरल्स होती हैं तो उसमें राइफलिंग करते क्यों हैं, ये बेसिकली आपको एक गाइडेटरी मोशन प्रोवाइड कराती है। गाइडेटरी मोशन मतलब वो आपको स्पिनिंग देती है, आपकी जो बुलेट होती है उसको स्पिनिंग देती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्टाइल होती है उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका बैरल में राइफलिंग करी जाती है। एंड जो एयर रेजिस्टेंस होता है, आपकी जो प्रोजेक्टाइल जब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइम पर जो उसका रेजिस्टेंस लग रहा होता है एयर का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है एंड एक्यूरेसी जो उसकी होती है उसकी डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। देन राइफल्स रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ शोल्डर ड्यूरिंग फायरिंग थ्रू शोल्डर स्टॉक। ठीक है, तो ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं। देन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो राइफल्स होती हैं उनको बेसिकली कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सो अगर हम राइफल्स की बात करें तो उनको बेसिकली फोर में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंगल शॉट, सेकेंड वन इज रिपीटिंग राइफल, थर्ड वन इज सेमी ऑटोमेटिक राइफल एंड देन लास्ट इज ऑटोमेटिक राइफल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल शॉट राइफल्स की। सिंगल शॉट राइफल्स इज दिस, इन दिस ओनली वन बुलेट कैन बी फायर एट अ टाइम एंड फॉर रीफायरिंग द वेकेंट कार्ट्रिज इज रिमूव्ड मैनुअली एंड अ न्यू लाइव कार्ट्रिज इज लोडेड इन राइफल। सो जो आपकी सिंगल शॉट राइफल्स होती हैं उसमें जब आप एक फायरिंग कर देते हैं तो उसके बाद में जो आपकी वेकेंट कार्ट्रिज होती है उसको आपको मैनुअली निकालना पड़ता है। उसके जगह पर आपको रीफायरिंग करनी है तो उसके लिए आपको दूसरी नई लाइव कार्ट्रिज आपको वो भी मैनुअली ही उसमें डालनी पड़ेगी एंड एक बार में सिर्फ एक ही शॉट आप फायर कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम रिपीटिंग राइफल की बात करें, सो इन दिस फॉर द लोडिंग ऑफ न्यू लाइव कार्ट्रिज इन प्लेस ऑफ वेकेंट कार्ट्रिज, हैंड ऑपरेटेड बोल्ट एक्शन मूविंग ब्रीच इन द मैकेनिज्म इज यूज फॉर मूविंग द ब्रीच लॉक, लीवर एक्शन एंड पंप एक्शन मैकेनिज्म इज यूज इन दिस, मोर देन वन फायर इज बीइंग डन विदाउट ओपनिंग द ब्रीच एंड। सो रिपीटिंग राइफल में क्या होता है, जो आपकी न्यू लाइव कार्ट्रिज होती है उसको जब भी आपको वेकेंट कार्ट्रिज के प्लेस पर रखना होता है उसके लिए हैंडली ऑपरेटेड भी होता है कई बार, कुछ में क्या रहता है बोल्ट एक्शन मूविंग ब्रिज इंड मैकेनिज्म का भी यूज़ किया जाता है एंड इसके अलावा मूविंग ब्रिज लॉक के लिए लीवर एक्शन एंड पंप एक्शन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं एंड इसकी हेल्प से आप एक बार में, मतलब बार बार आपको लोडिंग करने की जगह एक बार में आप मोर देन वन शॉट एक साथ फायर कर सकते हैं। ठीक है, सो जितने भी एक्शंस हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स की बात करें, सो दीज आर ऑटो लोडिंग राइफल्स एंड फॉर चेंज द कार्ट्रिज देयर इज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। सेमी ऑटोमेटिक में क्या रहता है, आपकी ऑटो लोडिंग हो जाती है, आपको इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता है एंड आपकी जो कार्ट्रिज रहती है वो आपकी लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ अपने आप से होती रहती है, आपको बस बार बार ट्रिगर दबाना पड़ता है हर बार फायरिंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपकी कार्ट्रिज का लोडिंग होता है, कार्ट्रिज के अनलोडिंग होता है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक होता है। देन हम ऑटोमेटिक राइफल्स की बात करें तो इसमें भी सारा कुछ अपने आप ही होना है, सारा आपका जो कार्ट्रिज होगा वो भी मैनुअली नहीं करना पड़ेगा उसको, वो अपने आप से अनलोड होगा, अपने आप से लोड होगा। एंड इसमें जो नया एडिशन था वो ये कि इसमें आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा कि हर बार फायर करने के लिए आपको हर बार ट्रिगर दबाना पड़ेगा, आप एक ही बार ट्रिगर दबाए रहेंगे एंड वो फायरिंग आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि आपकी कार्ट्रिज जो है पूरी तरह से वेकेंट नहीं हो जाती, सारी की सारी कार्ट्रिजेज आपकी ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक के लिए कंटिन्यूस आपकी फायरिंग होती रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से आपकी ऑटोमेटिक राइफल्स काम करती हैं। अभी इसमें कुछ जितने एक्शंस बच रहे हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए, वो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है आपके राइफल्स के बारे में कि उसमें किस किस तरह का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है एंड यहाँ पर राइफल्ड फायरआर्म्स के बारे में बता दिया है, बस इसमें जो एक्शंस हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड राइफलिंग का मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ पर जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बच रहे हैं तो वो सब हम बाद में देख लेंगे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंडगन्स के बारे में, वहाँ पर हम पिस्टल एंड रिवॉल्वर्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।